जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? श्रीमती रंजना कश्यप। रंजना जी, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 3/6/2012 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सभी देव देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे कि मंदिरों में जाते थे और व्रत भी करते थे, और बहुत दुखी थे उनकी भक्ति करते करते। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधनाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? इन पूजाओं से हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। मैं बहुत दुखी थी और मेरे घर में सारे बच्चे भी बीमार रहते थे और पति भी बीमार रहता था, मैं खुद भी बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। मेरे को कैंसर की गांठें थी जी, और हॉस्पिटल में मेरे को बताया था कि ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी, और मेरे को लगातार दवाई खाने दी थी खाने के लिए, दर्द की दवाई भी, और मेरा खून भी कम होता था और उसकी भी दवाई दी थी मेरे को खाने के लिए, और दर्द की दवाई लगातार खानी पड़ेगी आपको जब तक जिंदा है आप। बहन जी, इतनी सारी पूजाओं को करते करते भी आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आई, मंडी हॉस्पिटल में मेरे को कैंसर बताया और मैं घर में आई तो मैं जोर जोर से रोने लगी, और मैं रात को रोते रोते सो गई। रात को मेरे सपने में संत रामपाल जी महाराज जी आए और उन्होंने बताया मेरे को कि बेटा आप नाम उपदेश ले लो और आप ठीक हो जाएगी, और मैं सुबह ही नाम उपदेश लेने के लिए तैयार हो गई। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से तुरंत बाद ही मेरे को, जब मैं बरवाड़ा आश्रम में नाम उपदेश लिया और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मेरे को ऐसी ऐसी गांठें हैं, कैंसर की गांठें बताई हुई है डॉक्टर ने, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को बोला कि बेटा आप भक्ति करो और मर्यादा में रख करके भक्ति करो, आप ठीक हो जाएगी। और मैं जब घर में आई तो गुरु जी मेरे सपने में आए, 4 बजे सुबह मैं सोई हुई थी, तो गुरुजी ने मेरे को चरणामृत की एक ढक्कन पिलाया, और उसके बाद मेरे को कभी दर्द नहीं हुआ उन गिल्टियों में, उन गांठों में कभी भी दर्द नहीं हुआ, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दवाई एक भी दवाई नहीं ली उसके बाद मैंने। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी को एक आम इंसान मानते हैं? मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वह परमात्मा है, और संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं और वह सबका कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। बहन जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको परमात्मा बोल रहे हैं, क्या कारण है? हम उनको कैसे परमात्मा नहीं बोलेंगे, जब उन्होंने तो हमारी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक कर दी, तो परमात्मा नहीं तो और क्या है? वो तो हमारी मन की बात भी सुनते हैं, मन की बात तो परमात्मा ही सुनते हैं, और किसी की बस की बात ही नहीं है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टर ने आपको 6 महीने का समय दिया था कि आप 6 महीने तक ही जिंदा रह पाएंगे, इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं और उसके बाद आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है, तो क्या जो लोग अभी भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या आपकी तरह उनकी बीमारी भी ठीक होगी? संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, चाहे कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं हमारी, चाहे कोई भी बीमारियाँ हो, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टरों का कोर्स तो आप 6 महीने के लिए बताएं तो 6 महीने का भी कर लेते हैं, सिर्फ एक बार 1 महीना आप मर्यादा में रखकर भक्ति करो तो आपके सारी मेरी तरह जो कैंसर से पीड़ित है वो भी सब बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी, आपके आपको आर्थिक लाभ शारीरिक लाभ सभी मिलेंगे। बहन जी, एक बात बताइए, जो लोग अभी भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, आजकल हर स्टेट में नामदान स्थल खुले हुए हैं, वो वहाँ पता करके कोने कोने से भक्त जुड़े हुए हैं, कहीं से भी पता कर सकते हैं और अपना नाम देश ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साई।